पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीमा पर शांति बनाए रखने को अहम बताते हुए मनमोहन सिंह से मुलाकात की इच्छा जताई। रक्षा मंत्री एके एंटनी के कड़े बयान के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों की हत्या पर दुख जाहिर किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को सीमा पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति जरूरी है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच होने जा रही वार्ता के बारे में कुछ भी कहने का ये उचित समय नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ को अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के दौरान मुलाकात संभव है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीदों पर दिए गए बिहार के ग्रामीण मंत्री भीम सिंह के विवादित बयान पर गहरा दुख जताया है। बिहार में दो दो मंत्रालयों के पदभार संभाल रहे भीम सिंह ने कहा था कि फौज में जवान शहादत के लिए ही भर्ती होता है। बाद में भीम सिंह ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया था। बिहार में नीतीश के कैबिनेट में मंत्री भीम सिंह के बयान के खिलाफ पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे की जबान फिसली। मुंडे ने कहा कि सीमा पर भारतीय जवानों को मारने वाले आतंकवादी थे। मुंडे के इस बयान पर बीजेपी घिर गई है। तिरछी टोपी पहनकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डीएसपी मनीष कुमार के अपमानजनक तरीके पर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट तलब की है। कोल्हापुर में जब शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक ज्वेलरी एग्जीबिशन के कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की 71वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूरे देश से 121 स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन में न्योता दे रहे हैं। आर्य मेहता के गुजरात के लोकायुक्त का पद ठुकराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में मोदी की नीति दोहरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वो विधायकों और सांसदों के दोषी ठहराए जाने के मामलों पर ध्यान रखें। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अलग तेलंगाना राज्य का गठन करने से पहले सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। टीआरएस ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से अनुरोध किया है कि पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की सुरक्षा हाल में मिली धमकियों के मद्देनजर बढ़ाई जाए। बिहार के वैशाली में मिड डे मील खाने से 27 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। इन सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के हिंडौन सिटी में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे हुए बच्चे को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारने के बदले गोली चलाने वाले अनवर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनवर का साथी फरार है। मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में एक व्यापारी ने चांदी की बाइक पेश की है। रॉयल एनफील्ड नाम की इस बाइक को मॉडिफाई कर चांदी लगाई गई है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल मनाए जाने वाले ईद उल फितर के लिए देशवासियों को मुबारकबाद दी है।